हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज क्लाइपेस्टर इज़ कॉमनली एज हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्लाइपेस्टर का कॉमन नेम क्या है कि इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे क्लाइपेस्टर फाइलम एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है और ये ऑर्गेनिज्म किस क्लास से बिलोंग करता है हमें ये जानना है और इसका कॉमन नेम क्या है इसीलिए हमें जानना है क्लासिफिकेशन एकाइनोडर्माटा का एकाइनोडर्माटा के क्लासिफिकेशन में छह क्लासेस होती हैं और हमें उन क्लासेस के नाम जानने हैं और उनके एग्जांपल्स भी जानना है तो क्लासिफिकेशन ऑफ एकाइनोडर्माटा कुछ इस तरह से होना है पहला क्लास है क्रीनोइडिया और क्रिनोइडिया में रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स होती हैं सीलीलीज जो कि कॉमन नेम है एंटेडॉन का दूसरा क्लास है एस्टेरोइडिया और एस्टेरोइडिया में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होती हैं सी स्टार्स सी स्टार्स कॉमन नेम है एस्टेरियस का तीसरा क्लास है ऑफ्यूरोडिया और ऑफ्यूरो के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं स्टार्स स्टार्स कॉमन नेम है ऑफ्यूरिया का चौथा क्लास है कॉन्सेंट्री साइक्लोइडिया और कॉन्सेंट्री साइक्लोइडिया क्लास के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होती हैं सी डेजीज पांचवा क्लास है एकाइनोइडिया और एकाइनोइडिया फैमिली क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि कॉमनली बोला जाता है एकाइनस को और एक एनिमल होता है जो कि एकाइनोइडिया में कॉमनली पाया जाता है वो है सैंड डॉलर एकाइनोइडिया में और भी कई सारे एनिमल्स हैं एक को कॉमनली कहा जाता है केकरचिन या फिर सी बिस्किट और यह है कॉमन नेम क्लाइपीएस्टर का छठा क्लास है होलोथुरोइडिया और होलोथुरोइडिया में रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं सी क्यूकम्बर क्यूकम कॉमन नेम है कुकुमेरिया का हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्लाइप कॉमनली कहा जाता है केकर्चे या फिर सी बिस्किट आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट